वेलकम बैक टू मॉडल टी। और मॉडल टी के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे मशीन ड्राइंग के ऊपर। तो देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है जो मैकेनिकल इंजीनियर है कि मशीन ड्राइंग कैसे क्रिएट करनी है सर, ऑटो कैड में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रीड आउट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ होते हैं क्वेश्चंस। तो पूरी सीरीज रहेगी और काफ़ी लंबी सीरीज रहेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। और शुरुआत हम करेंगे यूनिवर्सल कपलिंग से। यूनिवर्सल कपलिंग अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये है हमारी यूनिवर्सल कपलिंग और इसकी मैं पीडीएफ लेकर के आया हूँ आपके पास। अभी जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास चार अलग अलग पार्ट है, चार नहीं पांच है, 1, 2, 3, 4 और 5। जो मेन पार्ट है ना, ये फॉर्क है हमारा, इसको हम बोलेंगे फॉर्क। ये है हमारा कॉलर, ये है हमारी पिन, ठीक है। ये दोनों ही पिन है, बट ये जो पिन है ये इस पिन में इंसर्ट होगी। और ये है हमारा सेंटर ब्लॉक। अगर आप इसका सेक्शन व्यू देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो फॉर्क यहाँ पे दिख रही है, जो इसका लेयर का कलर है ना वो सियान कर रखा है, तो लेयर से ही मैं बनाऊंगा इसको। फॉर्क यहाँ पे दो लगी हुई है, सेंटर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, इसके अंदर यहाँ पे पिन गई है इंसर्ट होकर के, ये वाली, और नीचे कॉलर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये टेपर पिन लगी हुई है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हम पार्ट क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे फॉर्क। इसको मैंने जूम इन कर लिया है और यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारी डायमेंशन दी गई है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे कुछ डायमेंशन में पीछे कुछ वैल्यूज दी गई है, जैसे डायामीटर 30H8। तो आपको जो है सिर्फ 30 को कंसिडर करना है, H8 को कंसिडर नहीं करना है, ये टॉलरेंस है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकलती है H8 की हेल्प से, तो इसको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 106H7 तो सब कुछ दिया गया है, तो हमें जो पीछे वाली वैल्यू उसको कंसिडर नहीं करना है। सबसे पहले जो मैं पार्ट अभी बनाने वाला हूँ ना, वो फॉर्क बनाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले फॉर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और जैसे आप देख सकते हैं जो पीडीएफ मुझे दी गई है ना, जिस लेयर में यहाँ पे ये पार्ट बन रहे हैं ना, सेम लेयर में मैं वहाँ पे बनाऊंगा। तो यहाँ से मैंने अपना ऑटोकैड को ओपन कर लिया है, लेयर प्रॉपर्टीज में मैं आ चुका हूँ। लेयर प्रॉपर्टी में आने के बाद सबसे पहले मैं लेयर क्रिएट कर देता हूँ फॉर्क के लिए, और जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से सियान, ले लिया है तो सियान मैंने ले लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे सेंटर लाइन भी दिखेगी आपको, डॉटेड लाइन भी दिखेगी। तो मैं डॉटेड लाइन को लोड कर लेता हूँ LT Enter से। LT Enter में जाइए, लोड में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी डॉटेड लाइन, उठा लीजिए यहाँ से, इसको ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद लेयर में आ गया। अब देखो यहाँ पे सियान आ रही है, अब मुझे ये चीज़ बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेयर को करता हूँ लोड बाय लेयर में जा करके, ये मैं फॉर्क की लेयर ला चुका हूँ, यहाँ पे सियान आ चुकी है। लाइन ले लीजिए और चलते हैं हमारी ड्राइंग पे। तो सबसे पहले ये जो लेंथ है ये 55 है, और ये जो आउटर डाया है वो यहाँ पे दिख रहा है, एक 88 का है, और अंदर वाला जो है वो 48 का है। तो अंदर वाला है ना, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये जो रेड रेड आप देख ये देख रहे हैं ना आप, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका 48 का जो यहाँ पे दिखा रखा है, डॉटेड इस वजह से आ रहा है क्योंकि अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो ये होल मुझे दिखेगा नहीं फ्रंट व्यू में, तो ये डॉटेड शो होगा। नीचे भी डॉटेड हो रहा है, तो ये कीवे का है, तो कीवे जो कट रही है उसका डॉटेड आ रहा है। तो यहाँ पे कीवे दिख रही है आपको 16S7x5, तो 16x5, 16 इसकी क्या हो गई विड्थ हो गई, एच इसकी ये 5 क्या हो गया इसका डेप्थ हो गया। तो इसको समझना है बस, ज़्यादा कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा इसको, अगर आप देख रहे हो तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, आधा बना दूंगा आधा मिरर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है फ्रंट व्यू, ऊपर बन रहा है हमारा टॉप व्यू। तो चाहे आप टॉप व्यू को बना लो चाहे आप फ्रंट को बना लो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फ्रंट व्यू से। तो यहाँ पे आ गए हम, और ये ले लिया हमने ऑर्थो मोड को, कर लिया यहाँ से ऑन, स्टार्टिंग करते हैं 55, ठीक है। डाया जो था वो 88 का था, और 55 फिर से हम लिया है, एस्केप करके थोड़ा इसको ऊपर मूव कर लेते हैं, यहां तो बनाएंगे नहीं। आ गए, अब यहां से फिर से आप ड्राइंग में आ गए। अब ड्राइंग में आपने देखा यहाँ पे 55 है, ये 88 है, और यहां से यहां तक की डायमेंशन है 106, यहाँ पे दी गई है 106।
अब अगर मैं यहाँ पे 106 में से सीधा माइनस करूँ 88 को, तो 106 सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 106 प्लस 28 प्लस 28, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, और 2 और 2 4 और 1 5 56, ये और 56 और 6 आपके हो गए 162। अब 162 में से 88 आपके गए, अब ये 12 निकल गए, तो ये आपके बच जाएंगे 12, इसमें आप कर दो ऐड, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 1 7, 74 बचा। अब 74 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप, तो 70 का आधा 35 और 4 का 2, तो 35 2 37, तो 37 ऊपर और 37 नीचे जाएगा, सीधी गणित है, ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, 37 ऊपर जाएगा हमारा, फिर कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये लिमिट कैसे पता चलेगी, तो देखिए यहाँ पे आर 38 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 38 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, तो सब गिवन है। शुरुआत करते हैं दोबारा से, आ जाएगा ड्राइंग पे वापस, लाइन ले ली मैंने, लाइन लेने के बाद ऊपर कितना जाना है हमें, 37 जाना है, 37 हम आ गए, ठीक है। अब आ जाओ ड्राइंग में वापस से, तो ये कितने की लाइन है आपकी, 30 44 और 38, तो तीन सीक्वेंस में कर देता हूँ मैं, 30 44 और कंट्रोल जेड करेंगे और 38, हो गया। इतना होने के बाद फिर से आ गए हम ड्राइंग में वापस, कितने का ये, 28 का, 28 के बाद ये कितने तक अंदर जाएगा, ये कितने तक जाएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट दे रखी है ना, तो 38 ये और 44 ये, तो वापस आ गए यहाँ पे और नीचे की तरफ आ गए हम, यहाँ पे ये था 28, वही 38 और 44, तो इसके लास्ट एंड पॉइंट पे आ जाओ, इसके सीध में ही हम आ जाते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे, ये जो दोनों पॉइंट है ये बिल्कुल वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 30 था ही, और ये हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया, इतना हो चुका है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में उतनी है कि नहीं, तो ये 106 था यहाँ से यहाँ, तो 106 का हाफ क्या हो गया, यहाँ पे 53 हो गया, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट डायमेंशन है, बस अब मिरर बांधने की बारी आ गई, तो सेलेक्ट कर लीजिए लाइन और मिरर, यहाँ से हो चुका है, इस लाइन को मैं कर दूंगा ज्वाइन, यहाँ से यहाँ तक हो गई ज्वाइन। वापस आ जाते हैं ड्राइंग में, ये देखिए इतना पोर्शन हो चुका है हमारा कवर, अब जो हमें क्रिएट करना है वो क्रिएट करनी है डॉटेड लाइंस, तो डॉटेड लाइन है ना मैं बाद में क्रिएट करूंगा, सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ ये वाली डॉटेड लाइन, क्योंकि ये वाली डॉटेड लाइन मैं ऊपर वाले के रेफरेंस में लेकर के चलूंगा। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आएंगी, इसका जो डाया है वो क्या है, 48 है, 48 है, और नीचे कीवे लगा हुआ है जिसकी डेप्थ हमारी जाएगी 5 तक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क करा है, तो 48 का आधा हमारा हो जाता है यहाँ पे 24 आ गए, और यहाँ से आप देखिए एनोटेट में जाके है ना, यहाँ पे सेंटर लाइन भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो, देखिए सेंटर लाइन बनेगी तब भी आप यहाँ पे आ गए, और बिल्कुल इसको लेकर के यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर दो इसको, क्योंकि जो होल है वो आगे तक जाएगा। इतना हो गया हमारा, इतना होने के बाद अब आ जाते हैं ड्राइंग में वापस दोबारा, यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, और एक बार है ना क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि क्या बिल्कुल सेंटर में ही आई है सेंटर लाइन, तो अगर आप देखोगे बिल्कुल सेंटर में आई है 44 पे, होम पे चले जाते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको अंदर तक ही रखना, बाहर तक नहीं रखना, यहाँ तक बस। अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे मैंने सेंटर लाइन ली ना यहाँ से एनोटेट में आके, तो अपने यहाँ पे होम में अगर आप जाओगे तो देखोगे बाय लेयर में, तो यहाँ पे लोड अपने आप हो चुकी है सेंटर लाइन, मैंने लोड नहीं करी थी, मैंने सिर्फ डॉटेड लाइन लोड करी थी, तो सेंटर लाइन भी ऑटोमेटिकली लोड हो चुकी है जब मैंने सेंटर लाइन फीचर को यूज करा एनोटेट में जाकर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेंटर लाइन ही ले लेता हूँ, सॉरी डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, डॉटेड लाइन मैंने ले ली। अब डॉटेड लाइन लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ले लेते हैं, लाइन लेने के बाद यहाँ पे ऊपर कितना जाएगा, 44 सॉरी 48 है, तो 48 का आधा ऊपर क्या है, 24, ये बना दिया, इसको सेलेक्ट करके करा डिलीट, और इसी को मैंने क्या कर दिया, मिरर मार दिया, यहां से यहां तक हो गया।
अब आ गए हम वापस से ड्राइंग में। तो ये बन चुका, अब नीचे कीवे बनेगा। कीवे के लिए डिस्टेंस क्या है, नीचे डेप्थ जो है वो 5 रहेगी। तो बस कुछ नहीं करना, ऑफसेट लेना है 5 एंटर, और ये नीचे आ गया, ये कीवे के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं ऊपर बनाऊंगा इसका टॉप व्यू। अब आप टॉप व्यू को देखोगे ना, तो टॉप व्यू सेक्शन है हमारा। तो ये कैसे कट रहा है, ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी और इसको इस तरीके से काट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, तो ये 30 के लिमिट तक है सीधी सीधी लाइन, और यहाँ पे सेक्शन हो रहा है। अब सेक्शन जो हो रहा है ना, आपको देख रहे हो इतना दिख रहा है हमें पोर्शन, तो ये क्या है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ से वो सेम है, वो 88 की, ये दिखाना चाह रहा है। तो ये 88 का डिस्टेंस है, और ये जो सेक्शन होके दिख रहा है ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो होल हुआ है 48 का। तो यहाँ से यहाँ तक की कितना बचा है आपका, 24। और ये जो टोटल था यहाँ से यहाँ तक की कितना था, 88 का था 44। तो 44 में से 24 के कितने बचे, ये वाला जो डिस्टेंस है वो बीच का बच जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ अपनी ड्राइंग में वापस से, और ऊपर हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो गए, वर्टिकली अलाइन हो गए। और यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस है ये ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल ठीक 85 का, और टैब जो नीचे वाला डिस्टेंस होगा वो हमने ले लिया अराउंड 88 का, 88 का था, 88 का हमने ले लिया। सेलेक्ट करके लाइन टैब चेंज कर ली मैंने, दोबारा से यहाँ पे आ गए। एक बार मैं इसको प्रॉपर चेक करूँगा कि 85 की डिस्टेंस है कि नहीं, देखो 85 की डिस्टेंस नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एक बार डिलीट करके दोबारा बना लेते हैं इसको। रेक्टेंगल मैंने लिया, बस आप इसके लास्ट पॉइंट को वर्टिकली अलाइन रखो। रख लिया वर्टिकली अलाइन, ये वाला है हमारा 85, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 88। सेलेक्ट करके इसको करो एक्सप्लोड, क्योंकि मेरे को मारना है ऑफसेट कितने का, 20 का, जो मैंने बताया था, यहाँ से और यहाँ से ये 20 का ऑफसेट लग चुका है। टॉप पे क्लिक करके हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 44। 44 के डिस्टेंस पे एक 30 के डाया का और एक 38 के रेडियस का सर्कल बनेगा। रेडियस उसका 38 होगा और डाया 30 होगा, तो दो सर्कल बनेंगे। और जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 44 है। यहाँ पे 44 मैंने कर दिया, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए एक बार, डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ पे 44 आ रहा है। आ गए ड्राइंग में हम वापस, और ये जो डायमीटर ले लिया वो ले लिया मैंने, एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 30 का और रेडियस 38 की। तो ये डाया 30 का हो गया, और यहाँ से यहाँ जो रेडियस है वो हो गई हमारी 38 की। बीच वाली लाइन को मैंने कर दिया डिलीट, अभी मुझे इसकी नीड नहीं है। यहाँ से यहाँ पे आ गए, और ये टेंजेंट है बिल्कुल इसके, तो वो भी हम कर देते हैं। लाइन लेनी मैंने यहाँ से, सेलेक्ट करा, ऑर्थो मोड को मैंने ऑफ कर दिया, टेंजेंट रखना है, ये टेंजेंट मैंने रख दिया। सेम नीचे के केस में हम करेंगे, टेंजेंट रखना है, ये टेंजेंट मैंने रख दिया। ट्रिम करा मैंने यहाँ से, ये हो गया ट्रिम। अब एनोटेट में आके यहाँ पे सेंटर मार्क का भी फीचर है, सेंटर मार्क मैंने ली और बना दी, यहाँ से सेंटर लाइन ली वो भी बना दी, इतना हो गया। थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए यहाँ से, ये काम हमारा हो चुका है डन। अब आ जाते हैं वापस से ड्राइंग में, और यहाँ पे हमें करना है सेक्शन। सेक्शन से पहले यहाँ पे है ना, ये डॉटेड लाइन लग रही है, ये क्या है आपकी जो कीवे थी जो कटी थी उसकी, ये क्या है टोटल विड्थ है, जिसमें से यहाँ सेंटर से ऊपर का तक का डिस्टेंस 8 होगा, और नीचे तक का भी 8 होगा, टोटल 16 हो जाएगा। होम पे आए, आ गए एच एंटर। हैच में जाने के बाद यहाँ से मैंने पैटर्न जो है वो चेंज कर लिया है, और ये मैंने यहाँ से लगा दिया है। लगाने के बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे, और देखिए यहाँ पे जो लेयर है वो डिफरेंट है, तो उसको सेलेक्ट करके ना हम जो लेयर है हमारी वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि है फॉर्क वाली। एंटर करा हमने, लेयर मेरी अपडेट हो चुकी है, और ये जो हमारा पहला पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा होगा सेंटर ब्लॉक। सेंटर ब्लॉक कहाँ पे लगा हुआ है, सेंटर ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है। सेंटर ब्लॉक क्या करता है, एक फॉर्क को दूसरे फॉर्क से कनेक्ट करता है। तो सेंटर ब्लॉक के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी ऊपर वाला व्यू बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डायमेंशन गिवन है वो है 106 एंड 56 का जो है वो डाया है, 106 की यहाँ पे लेंथ है, अंदर का जो डाया है वो है 30 का, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके से ये क्रिएट होगा। तो कर लेते हैं क्रिएट। सबसे पहले यहाँ पे गए और
लेयर चेंज करा मैंने सेंटर ब्लॉक में, सेंटर ब्लॉक में चेंज करने के बाद यहाँ से लिया रेक्टेंगल, क्लिक करा 106 टैब 56 जो कि इसका आउटर डाया। बनने के बाद यहाँ से मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया। अब जो डाया वो 30 का है, अब जो डाया का है वो 30 का है और जो आउटर डाया है वो 56 का है, तो 56 में से माइनस करेंगे 30 तो बचेगा आपका 26, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा लगभग लगभग 13। यहाँ पे हम आ गए हैं, सबसे पहले तो मैं सेंटर लाइन डालूंगा, एनोटेट में जा करके सेंटर लाइन सेलेक्ट कर दिया मैंने, ऑफसेट मैं लूँगा, होम में हम हैं और यहाँ पे मैंने डाया दे दिया 13 का। ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ पे मैंने ऑफसेट दे दिया 13 का यहाँ पे और यहाँ पे। हैच करना है इस पार्ट को, अभी हम हैच नहीं करेंगे, अभी हमने क्या करना है, हम ऊपर वाला व्यू बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन शो करनी है। अब यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइन क्रिएट कर दी तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डॉटेड में चेंज कर लेंगे। डॉटेड में चेंज होने के बाद अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो डाया है वो 56 का है बाहर वाला, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 38। क्या है? 38। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, ये ले लिया लाइन 38, 38 के बाद 56 और 30 का हमें क्या बनाना है, डाया बनाना है। ये लाइन हमारी बन चुकी है, अब यहाँ पे जाइए सेंटर डायमीटर में, एक हमारा 56 और एक हमारा यहाँ पे हो गया 30। यहाँ से जो लाइन की टाइप है वो मैंने चेंज करके बाय लेयर सेलेक्ट कर दिया है, ये वाली लाइन हमने डिलीट कर दिया है। फिर से हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटर मार्क क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? सेंटर मार्क। बट सेंटर मार्क क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे जो लाइन है इसको हम कर देंगे ट्रिम। तो TR डबल एंटर करने के बाद ये देखिए ट्रिम हो चुका है। ट्रिम होने के बाद यहाँ पे एनोटेट में जा करके सेंटर मार्क लेंगे और इस तरीके से हम उसको क्रिएट कर देंगे। सेंटर मार्क लग चुका है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। ये देखिए ये अब जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसका सेक्शन व्यू क्रिएट करना है, तो वो भी कुछ इसी तरीके से है, सेम इसी प्रोसेस से वो क्रिएट होगा, बट यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं लगेगी। तो ये हमने ले लिया रेक्टेंगल और यहाँ पे जो है डिस्टेंस वो 106 टैब 56। लाइन टाइप मैंने चेंज कर दिया यहाँ से, अब लाइन टाइप चेंज हो चुकी है हमारी। लाइन टाइप चेंज होने के बाद यहाँ से लाइन ले ली हमने, कितने की लेनी है, 38 की, 38 की लाइन ले ली मैंने बाय लेयर। अब वही 56 और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा 30 का। सेलेक्ट करके एक्सप्लोर करूंगा मैं, ये लाइन डिलीट कर दी मैंने, ऑफसेट ले लूंगा मैं 13 का, एक ऊपर और एक नीचे। ट्रिम, ट्रिम करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको 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 और इसको करने के बाद एनोटेट में और यहाँ से सेंटर लाइन पिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। अब हैच लेना है मुझे और इसको इस तरीके से क्रिएट कर देना है। तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है सेंटर ब्लॉक। अब सेंटर ब्लॉक के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे ये हमारा कॉलर, ठीक है। अब इसका जो डाया है बाहर वाला 48, अंदर वाला 30, डिस्टेंस हमारा 13 है और 6 के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक डाया क्रिएट हो रहा है 6 डायामीटर का, तो ये हमें क्रिएट करना है। तो हम आ गए ऑटोकैड में वापस से, होम पे आ करके यहाँ से हमने कॉलर जो हमारी लेयर है वो सेलेक्ट कर ली है। अब इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, अब एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे 48 और 30। तो यहाँ पे हमने ले लिया 48 टैब, यहाँ पे हमारा ये रहेगा 13। अब वापस से आ गए, अब 48 माइनस 30 क्या बचा, 18। अब 18 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, तो जो ऑफसेट मारना है वो मारना है 9 का। उससे पहले मैं इसको करूँगा एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कर दिया, ओ एंटर, नो एंटर, यहाँ है और यहाँ।
एक लाइन लेंगे, छः की बनानी क्योंकि छः के डिस्टेंस पे लगेगा, डाया छः का बन गया। बीच वाली लाइन हमने कर दी डिलीट, हैच लिया और ये हमने क्रिएट कर दिया। तो कॉलर जो है वो हमारा बन चुका है, यहाँ पे आ गए वापस से। अब बनानी हमें पिन, तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, 48 13 और ये 30 180। यहाँ पे आ गए वापस से, एक्सपेंड करा पिन वन, क्लिक करा, ये ले लिया 30 टैब 180 बन गया है। यहाँ पे लाइन ले ली मैंने 6, डाया यहाँ पे 6 का रहेगा। क्रॉस वेरीफाई करेंगे यहाँ से, ये देखिए ये डिस्टेंस 11 है, 6 नहीं है, तो एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। अब 6 मैंने ले लिया, 11 करना है तो 5 ऊपर और मूव कर देते हैं, 5 एंटर, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, एल एंटर। अब ये रहेगा हमारा 13 और 48, तो आ गए यहाँ पे, तो ये रहेगा 48 का आधा आपका हो गया 24, 13 48 13, और ये हमारा हो चुका है क्रिएट। तो जो हमारी पिन है वो भी हो चुकी है अभी के लिए रेडी। अब जो लास्ट है वो है हमारे पास ये पिन। अब जो ये पिन है वो टेपर है। अब टेपर में यहाँ जो है हमें डाया गिवन है 6, बट यहाँ का जो डाया है वो गिवन नहीं है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी ट्रिक, एक्चुअली टेपर रेशियो का फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो टेपर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, देखिए वो होता है कैपिटल डी, जो बड़ा डाया है, माइनस छोटा डाया, डिवाइडेड बाय में टेपर लेंथ, जो उसकी लेंथ होगी। अब यहाँ पे टेपर रेशियो हमारे पास कितना है, 1:100, वैल्यूज हम डाल देते हैं। कैपिटल डी क्या है हमारा 6, स्मॉल डी हमें निकालना है और टेपर लेंथ है हमारी 56। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आया 56 = 100, ठीक है, ब्रैकेट में 6 - d। अब ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 100 × 6 - d हो चुका है। तो 56 कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 600 - 100d। अब 100d इधर और 56 इधर, तो 100d माइनस में था, यहाँ पे क्या हो गया वो प्लस में। अब 600 - 56 हो जाएगा, हो गया। तो 100d कितना हो गया यहाँ पे, 600 में से 50 गए, 550, और 6 गए यहाँ पे, आपका आंसर आ गया 544। अब डी जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 544/100, ये आपका बराबर हो गया 5.44 के। सो इसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने ले ली पिन। तो यहाँ पे हमने देखा ये डाया 6 का है, क्रिएट करते हैं, एल एंटर, सबसे पहले 6 क्रिएट हो गया यहाँ पे, 6, एल एंटर, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया यहाँ पे 56, एल एंटर। अब 5.44 का जो हाफ वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, तो 5.44/2। अब 5 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 2.5, और 4 का हाफ हो जाएगा 2.2, तो ये वैल्यू लगभग चली जाएगी 2.72 के आसपास। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे यहाँ से कैलकुलेटर से, राइट क्लिक करके हम आ जाते हैं क्विक कैलकुलेटर में, और क्विक कैलकुलेटर में जैसे आते हैं तो 5.44/2, डेट इज इक्वल्स टू 2.72 जैसे हमने निकाला था, एल एंटर, तो 2.72 एंटर।
और ये इसके साथ मीट कर दिया। इसको हमने उठा करके क्या कर दिया, मिरर, और ये हो चुका है हमारा मिरर। तो ये सारे पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं, जिसमें हमारा फॉर्क आ चुका है, सेंटर ब्लॉक आ चुकी है, पिन आ चुकी है, कॉलर आ चुका है, और ये यहाँ पे जो लास्ट पिन थी वो भी हमने क्रिएट कर ली। अब इसके बाद हम करेंगे क्रिएट डायमेंशन, और यहाँ पे डायमेंशन को हम लगाएंगे, और असेंबल व्यू भी। तो यहाँ पे आप देखोगे असेंबल व्यू कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा फॉर्क है, तो सबसे पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं। जो फॉर्क है हमने उसको उठाया, कॉपी करा, यहाँ से लेकर के हम इसको यहाँ पे आ गए। ये आ गया हमारा फॉर्क, यहाँ से आए हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपकी पिन लग रही है, पिन इंसर्ट हो रही है और सेंटर ब्लॉक इंसर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले सेंटर ब्लॉक इंसर्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर हम पिन को लगा देंगे। तो सेंट्रल ब्लॉक हमारा ये रहा, इसको लिया, कॉपी एज इट इज़ हमने लिया, यहाँ पे रखा है इसको, और यहाँ से अब मैं इसको करूँगा रोटेट, आर ओ एंटर, और ये हो चुका है, यहाँ से आर ओ एंटर रोटेट। अब मैं इसको करूँगा मूव, एम एंटर से, और यहाँ पे लगा दिया, आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसको डॉटेड में हमें कन्वर्ट करना है इस एरिया को, क्योंकि ये कॉल फॉर्क के पीछे जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी उठा करके इस तरीके से हो गया ये डॉटेड। ये देखिए क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, और ये भी डॉटेड ही होगा, वो दोनों डॉटेड ही होंगे। तो यहाँ से हम दोबारा से आ जाते हैं, और इसको भी हम डॉटेड क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने लिया मैच प्रॉपर्टी को फिर से, और ये प्रॉपर्टी भी मैंने मैच कर दी। पिन लेंगे यहाँ से, मूव मूव करके यहाँ से हमने इसको लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये हो चुका है इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद अब देखिए मुझे ये पिन है ना शो करनी है। अब शो के नाम पे आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी पिन दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपकी जो रेड लाइन है मुझे इसको डिलीट करना है, और इसके ऊपर मैं एक और रेड लाइन क्रिएट कर दूंगा। तो उस केस में मैं यहाँ पे जाऊँगा ड्राफ्ट सेटिंग में, और ड्राफ्ट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आता है क्विक प्रॉपर्टीज़ के नेक्स्ट में सिलेक्शन साइकिल। इसमें हम अलाउ सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन कर देंगे, और जैसे मैं ऑन करूँगा ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो पॉली लाइन है ना, इसको मैंने सेलेक्ट करके क्या कर दिया है, डिलीट। अब मैं यहाँ पे वो क्रिएट करूँगा, तो यहाँ से मैं फिर से आ जाता हूँ पिन वन में। ये लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली, और ये सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये आ गया, ये लाइन ले ली मैंने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 162, और 162 अब हमें कितना और जाना है यहाँ पे नीचे, 18 जाना है, क्योंकि टोटल 180 का है, तो 18 एंटर सेम। और ये इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया। अब ये डॉटेड भी दिखना चाहिए, तो मैच प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैच प्रॉपर्टी में गए, मुझे सिर्फ लाइन टाइप यहाँ पे अप्लाई करनी है, कलर नहीं अप्लाई करना। तो उसके लिए सेटिंग में जा करके कलर को हम अनचेक कर देंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे, और ये लाइन हम सेलेक्ट कर देंगे, कलर भी अप्लाई नहीं हो। अब हमें क्या करना है, इसको डॉटेड करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। एक ही लाइन ये होगी सेलेक्ट, और यहाँ पे एक लाइन होगी सेलेक्ट। ये सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से गए और डॉटेड मैंने कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे ये भी हमें दिख गया है। अब टैप करके आगे हम आ गए यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है हमारा फॉर्क दूसरा। तो यहाँ पे हम आए और इस फॉर्क को हमने लिया, सी ओ एंटर। अब कुछ हल्की फुल्की एडिटिंग के बाद ये हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको सेलेक्ट करके कर दिया हमने डिलीट इसको, और रोटेट करेंगे, आर ओ एंटर सेलेक्ट करा, बना दिया। फिर से हम आ गए यहाँ पे, और एज इट इज़ हमें ऐसे के ऐसा उसको वहाँ पे लगा देना है। तो मूव करना है बस हमें यहाँ पे, एम एंटर, और ये सेंटर सेम सेंटर अप्लाई हो चुके हैं यहाँ पे। अब जो ऊपर यहाँ पे आपकी पिन लगी थी, तो सेम इंसर्ट पिन आपकी यहाँ पे भी होगी। तो मैं पिन वन में ही हूँ, और यहाँ पे जो डाया मैं दूंगा यहाँ पे वो दूंगा मैं 48 का, क्योंकि ये आपके डाया जो है वो 48 का, जैसे कि आप देख सकते हैं, जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये 48 का डाया आपका। तो
तो यहाँ पे हम आए और जो डाया है मैंने वो 48 का ले लिया, एंटर कर दिया, ये आपका 48 का डाया लग चुका है। तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से, हम हमारे असेंबल व्यू से ये देखिए डाया लग चुका है। नीचे लगेगा अब हमारा यहाँ पे कॉलर और पिन, तो गए यहाँ पे, अब कॉलर हमारी यहाँ पे इंसर्ट होनी है। तो ये देखिए कॉलर लिया आपने, कॉपी करा इसको और ले करके हम आ गए यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे मूव, एम एंटर। अब एम एंटर करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे और इसका सेंटर और इसका सेंटर हमने लगा दिया। अब यहाँ से क्या है, नीचे से डिस्टेंस 6 है, टोटल यहाँ पे 11 है और ऊपर से 5 है, तो हमें इसको फ्लिप करना है। तो हम इसको अंडू कर देते हैं एक बार। अंडू करने के बाद सबसे पहले हम करेंगे इसको रोटेट, रोटेट करने के बाद इस तरीके से आ गया। अब इसको मैं मूव करके लगा देता हूँ, तो मूव करा और इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब डायमीटर है हमारा और यहाँ से मैंने ले लिया पिन टू, डाया मैंने ले लिया, सेलेक्ट करा और 6 का लगा दिया, लग गया। तो ये हमारा असेंबल व्यू क्रिएट हो चुका है। अब जो दूसरा असेंबल व्यू है वो सेक्शनड है, तो वो इतना हार्ड नहीं है। हमें सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिक हम क्रिएट करेंगे। इसको मैं लूँगा, मिरर करूँगा, ये हो गया मिरर, नो करेंगे और इसको मैं मूव करूँगा इसके रेस्पेक्ट में, मूव। अब यहाँ से ये और ये बिल्कुल वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं। अब हमें हैच करना है इसको, क्या करना है, हैच करना है। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे आ जाओगे तो ये आपका कॉरल लगा हुआ है, तो यहाँ पे जितना भी आपका सेंटर ब्लॉक का ऑप्शन है ना, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं सीधा डिलीट कर दूँगा, क्योंकि एज इट इज़ मैं बना बनाया ये यहाँ पे लगा दूँगा। तो सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट, और जो रह जाता है उसको भी सेलेक्ट करके हम करेंगे डिलीट। अब देखिए वो प्रॉपरली रिमूव हो चुका है। अब ये लाइन भी डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट करेंगे, कर दिया। अब ये लिया सेंटर ब्लॉक, कॉपी लेकर के हम आ गए यहाँ पे, कॉपी आ गए और रोटेट करेंगे, ऑर्थो मोड ऑन करो, एम एंटर, मूव करा, आ गए, डिलीट करा। अब यहां पे अगर मैं देखूंगा ना इसको, तो ये यहां से यहां तक ट्रिम ही है, तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, तो टी आर डबल एंटर, टैप करके यहाँ पे फिर से वापस आए, ओके, यहाँ पे आए, ये सियाह नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे भी हमारी हैचिंग लगेगी। अभी जितनी भी लाइन है ना ये, इनको सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से सॉलिड, हो गया। वापस से आते हैं यहाँ पे, सीधी आपकी लाइन खींचेगी, वो हम कर देते हैं। तो यहां से ले लिया हमने लाइन पिन टू के लिए, पिन वन के लिए सॉरी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, यहां से हम डिलीट करेंगे डॉटेड लाइंस को, यहां से भी, यहां से डिलीट कर दिया। अब हमें लगाना है हैच, एच एंटर। अब ये हैचिंग का जो लेयर है वो भी हम चेंज करेंगे फॉर्क में, और अब हैच लगाना हम करते हैं स्टार्ट, एच एंटर।
अब यहाँ पे जो हैच लगाया है उसका जो एंगल है वो हम अलग रखेंगे, 135, जीरो, हैच लग गया है। यहाँ पे भी लगाना है तो उससे पहले हम इसको करना है ट्रिम। अब यहाँ पे लगाएंगे हैच, हैच लगाने से पहले मैं यहाँ पे करूँगा ट्रिम, तो ट्रिम कर देंगे EX, डबल एंटर। एच लगाएंगे, एच एंटर, यहाँ पे हम सेक्शन व्यू को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नीड नहीं है। क्रॉस वेरीफाई करेंगे दोनों असेंबल व्यू को, क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, एकदम ओके है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो व्यूज़ हैं ओवरऑल जितने भी वो सब क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें डायमेंशन देने, डायमेंशन देने से पहले मैं इनको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जा करके डायमेंशन क्रिएट कर देता हूँ। तो डी एंटर करना है मुझे, मॉडिफाई में जाना है, एरो साइज 4, टेक्स्ट साइज हम रखेंगे 5, लाइन का कलर हम रखेंगे यहाँ से रेड, टेक्स्ट का कलर हम रखेंगे यहाँ से ग्रीन, एक्सटेंशन लाइन का कलर हम यहाँ से रखेंगे रेड, ओके सेट करंट। मॉडिफाई में जाएंगे और प्राइमरी यूनिट में जा करके कॉमा की जगह पीरियड ले लेंगे, ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, यहाँ से करेंगे क्लोज। सबसे पहले फॉर की डायमेंशन है, जितनी भी डायमेंशन है यहाँ पे हम देख लेते हैं, 28, 106 और 28, 55, 30 और 44, 48 का डाया 88 और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। डी एल आई डायमेंशन लीनियर, डी सी ओ से कंटिन्यू करेंगे डायमेंशन को, सेम हम यहाँ पे रखेंगे डी एल आई डायमेंशन लीनियर, डी सी ओ डी एल आई, यहाँ पे जो डाया है वो रहेगा 48, डबल क्लिक करके हम यहाँ पे सिंबल ऐड कर देंगे डायमीटर का, फिर डी एल आई अगेन 88 का सिंबल ऐड करना है डाया का, यहाँ पे डायमीटर ओके, ये हो चुका है। अब फिर से जाते हैं R38 डाया 30, तो यहाँ से DDI और यहाँ पे हमें कीवे लगाना है। सो वापस आ गए यहाँ पे, कीवे लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, LEAD लीडर के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए फीचर है यहाँ पे, तो फीचर के लिए यहाँ पे एरो हेड होगा हमारा, क्लिक यहाँ से ऑर्थो मोड स्टार्ट, एंटर एंटर टेक्स्ट कीवे है, क्रॉस वेरीफाई कितने का कीवे है वो भी हमें देखना है। जो कीवे है हमारा वो 16x5 का है, कैपिटल में रखेंगे हम यहाँ पे, कीवे 16x5। अब इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें देखिए यहाँ से नीचे छेड़ना है, जस्टिफिकेशन में आके मिडल सेंटर करना है बस हमें इसको, और यहाँ से ओके कर देना है। तो कीवे लग गया यहाँ पे, इसकी जो डायमेंशन है वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम आए रेक्टेंगल में गए और इसको सिंपली कवर कर दिया यहाँ से, फोर्क हमारा रेडी हो गया। अब सेंटर ब्लॉक की बारी आती है, यहाँ पे गए सेंटर ब्लॉक की, यहाँ पे 38, 30 का डाया 28, 38, 28, 30, 106, 56 और 56 क्रिएट करते हैं।
DDI 56, DLI लीनियर के लिए, डिलीट DLI, डायमीटर एक सौ छः, DDI आर्क लेना है हमें, ये 56 का रहेगा, या फिर आप R38 करके दिखा सकते हो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, सॉरी 28। अंदर का डाया हमारा 30 का रहेगा, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, और जो लास्ट डायमेंशन है 38, ये हमें मेंशन करनी है। सो DLI सेंट्रल डिस्टेंस जो है वो है 38, और जो डाया है वो यहाँ पे 30 का रहेगा। डायमीटर में आके आप इसको चेक कर सकते हो, ये डायमेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, तो अगर फिर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना तो उस केस में आप इसको लगा सकते हो। रेक्टेंगल लिया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया है। अब बारी आती है यहाँ पे कॉलर की, तो कॉलर की जो डायमेंशन है वो हमें पता है, DLI बाहर वाली 48, यहां से डायमीटर है ये 30, डायमेंशन लीनियर 6 का रहेगा डिस्टेंस, और 6 का ही डाया यहाँ पे रहेगा, ये पिन के लिए रहेगा। रेक्टेंगल लिया, इसको भी मैंने कवर कर दिया। अब ये टेपर पिन है तो इसका लीनियर डिस्टेंस मैंने दिखा दिया यहाँ पे, डायमीटर यहाँ पे सिंबल आप ऐड कर सकते हो, ऐड कर लिया है सिंबल। अब यहाँ पे लीड लीडर लगाएंगे, टेक्स्ट मैंने लिख दिया टेपर रेशियो 1:100, इसको भी हमने कर दिया यहां से कवर। अब देखिए जो पिन 1 हमने बनाई थी वो गलती से मूव होके यहाँ असेंबल व्यू में यूज होगी, तो इसको फटाफट क्रिएट कर लेते हैं पिन 1 से लेयर से। रेक्टेंगल 48 टैब 13, एल एंटर 180 15 आ गए, मिरर कर दिया, लाइन लेके डिलीट एल एंटर, जो डिस्टेंस था वो 11 का था, तो यहां से हमने ले लिया 11, और यहाँ पे 6 डाया का हो गया हमारा सर्कल, डिलीट कर देंगे DLI, ये हो गया हमारा 48, डायमीटर नीचे जो डायमीटर हो गया वो हो गया 30, DLI तेरा, एक सौ अस्सी, और यहां पे हमने डायमीटर लगा दिया। नॉट लिखना चाहो आप नॉट लिख सकते हो, मैंने नॉट नहीं लिखा है अभी के लिए, और इसको भी मैंने कर दिया कवर। इसको भी हम कर देते हैं कवर, बट कवर करने से पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा बलून्स। सो बलून्स आप देख सकते हैं यहाँ पे असेंबल व्यू में हैं। बलून्स लगाने के लिए हमें मल्टी लीटर स्टाइल में जाना है, क्योंकि मैं मल्टी लीटर लगाऊंगा, उसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी है। मॉडिफाई में जा करके सबसे पहले कलर हमने रख दिया है ग्रीन, सॉरी रेड,
क्लोज, साइज आपका 4, लीडर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, लैंडिंग डिस्टेंस यहाँ पे आ गई, कंटेंट में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है ब्लॉक, और यहाँ से स्केल हम लेंगे यहाँ से 3 का, या फिर हम यहाँ से 2 का ले लेते हैं, कलर रख लेते हैं यहाँ पे ग्रीन, ओके, सेट करंट और क्लोज। मल्टी लीडर सेटिंग्स में फिर से हम जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफाई में जा करके लीडर स्ट्रक्चर है इसमें क्लोज फिल की जगह डॉट रख देते हैं, ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे, आ गए, MLD एंटर। अब ये है 3, ये है 4 और ये है 1, तो सबसे पहले हम ऊपर के सेट करेंगे, नंबर 3, फोर, 1। अब इनको अलाइन करेंगे यहां से, अलाइन, सेलेक्ट, सेलेक्ट, एंटर, इनके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मोड ऑन, आपका एक ही लाइन में आ गए। सेम करना है नीचे के लिए, नंबर 2 और नंबर 5, DLI, सॉरी MLD नंबर 2, नंबर 5, अलाइन में गए, रेक्टेंगल लिया, मूव, इसको भी मूव करते हैं और एक ही लाइन में लगा देंगे, मूव, यहां से मैंने इसको मूव कर दिया है, और यहां से इसको मूव कर दिया, रेक्टेंगल लिया, और ये जो हमारी ड्राइंग है वो हो चुकी है क्रिएट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं ऐसे काफ़ी वीडियोस लेके आऊँगा मशीन ड्राइंग पे, जिसमें मैं ज़्यादातर पार्ट को क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।